नमस्ते दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं कल का टॉपिक दैट वाज रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स तो कल मैंने शुरू किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट बेसिस पे दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी इसी के फर्स्ट थ्री टाइप्स हमारे ऑलरेडी हो चुके थे उसे मैं रिवाइज करूंगी और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था दैट वॉज ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वट यू मीन बाय अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हर वो कोई एसेंशियल जो एक्ट में लिखा गया है वो प्रेजेंट है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली पिछले तीन दिनों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं जो रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी होती इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि दो पार्टीज कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी यही दो पार्टीज जो है उनमें होनी चाहिए कैपेसिटी टू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन होना जरूरी है कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना जरूरी है हर वो कोई चीज जो एक्ट में लिखी गई है जो प्रेजेंट होना जरूरी है अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड पॉइंट जो हमने कल किया था दैट वॉज रिलेटिंग टू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब तो था वैलिड बट लेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बट परफॉर्मेंस के पहले कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बट परफॉर्मेंस के पहले अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जा, जिसके वजह से अब वो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इसी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द को समझाने के लिए मैंने आपको समझाया था अनदर वर्ड विच वॉज अ वॉइड अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट का ही लैटिन वर्ड होता है वॉइड एब इनिशियो जिसका मतलब होता है ऐसी कोई अग्रीमेंट विच इज इनवैलिड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज नोन एज अ वर्ल्ड अग्रीमेंट वर्ल्ड एब इनिश आज आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन अ वर्ल्ड अग्रीमेंट एंड अ वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा सोचो आप वर्ल्ड अग्रीमेंट और वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट का डिफ्रेंसिएशन क्या सारा हो सकता है पहली बात तो जैसे ही नाम में लिखा है वर्ल्ड अग्रीमेंट वर्ल्ड अग्रीमेंट वर्ल्ड अग्रीमेंट बेसिकली ये अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं ये पैदा हुआ एज एन अग्रीमेंट एंड इट ऑल्सो डाइज एज एन अग्रीमेंट इट इज वॉइड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड मैंने कल ऑलरेडी ये चीज कही थी वॉइड अब इनिशियो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स इट इज इनवैलिड राइट फ्रॉम द इंसेप्शन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जबकि अगर मैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना है इनिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट बना है बट बाद में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से अब इसे परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है जिसके वजह से अब वो हो चुका है वॉइड जिसके वजह से नाम आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कल का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे कल के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था एक बायर है और एक सेलर है और बायर और सेलर ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कि एक जनवरी को सेलर जो है अपना घर जो है बायर को बेचेगा एक जनवरी को दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और घर एक्चुअली बेचा और खरीदा जाएगा ऑन द टेंथ ऑफ जनवरी तो कॉन्ट्रैक्ट का डेट फर्स्ट ऑफ जनवरी परफॉर्मेंस का डेट इज द टेंथ ऑफ जनवरी बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद और परफॉर्मेंस के पहले सात तारीख को क्या हो गया ना सात तारीख को इस घर में लग गई आंख और पूरा का पूरा घर जो है जल के हो गया राख हा है ना अब देखो जो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल होगा नहीं तो ऑब्बियसली बात है सेलर 10 तारीख को ये घर बायर को बेच ही नहीं सकता क्योंकि अगर घर ही नहीं है सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो घर को बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे हा है ना तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया इसलिए मैंने आपको कहा था ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट अब आप बोलोगे मैम आप ये सारी चीजें क्यों आप बता रहे हो ये इसलिए मैंने बताइए क्योंकि देखो कल के एग्जाम्पल में एक छोटी सी चीज मैंने आपको पूछी भी थी या बताई भी थी कि क्या हुआ था जब एक तारीख को बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था

तो ये आज के सेशन में वैसे भी कवर होने ही वाला था तो सुनो सवाल ये उठता है घर अब बेचना तो इम्पॉसिबल है तो ये जो दो लाख रुपए है क्या सेलर ये दो लाख रुपए अपने पास रख सकता है या क्या दो लाख रुपए उसे वापस से बायर को लौटाने की जरूरत है तो इस सवाल का जवाब यह है कि ये सेलर को दो लाख रुपए बायर को लौटाने पड़ेंगे तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है जो भी बेनिफिट्स आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिले थे ये बेनिफिट्स आपको वापस से उस पार्टी को लौटाने पड़ेगे तो जैसे कि यहां पे सेलर को जो बेनिफिट मिला था वो था एडवांस ऑफ रुपीज टू लैक्स बट अगर वो घर ही नहीं बेच रहा है ऑब्वियसली बात है वो ये दो लाख रुपए भी अपने पास नहीं रख सकता इसी को कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। अगर आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स इस शब्द का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कह सकते हो एज रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स क्या कह सकते हो आप इसको रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स में लिख देती हूं। रीस्टोरेशन या तो कह सकते उसको को कहते हैं एज री जहां पे पहले ये पैसा जहां से आया था अब वापस से हम इसको रिस्टोर देंगे तो जो ये दो लाख रुपए नहीं बेचा है परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अगर घर नहीं बेच रहे तो ऑब्बियस बात है पैसे भी हमारे पास नहीं रख सकते तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का रूल जो वो अप्लाई होता है इन केस ऑफ इन केस ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का रूल डज नॉट अप्लाई डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ वॉइड अग्रीमेंट क्योंकि देखो कानून की आंखों से देखो कानून की आंखों से अगर आपका अग्रीमेंट ही वॉइड है ना तो कानून को यहां पे कुछ नजर ही नहीं आया है तो कानून को यही नजर नहीं आया है कि आपने किसी को कुछ दिया है या आपको कुछ मिला है तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने किसी को कुछ दिया ही नहीं है कि आपको वापस से कुछ मिलने वाला ही, नहीं तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स विल ओनली अप्लाई इन केस ऑफ अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ अग्रीमेंट तो मैं चाहती हूं आप आपके नोटबुक्स निकालो देखो कल हमने एक पापा चार्ट बनाया था एक मास्टर चार्ट बनाया था रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसमें आपने तीन पॉइंट दिए थे वैलिड वर्ड void, और वर्डबिल उस पेज पे मैं नहीं चाहती हूं कि आप ये लिखो इसके आगे या पीछे के पेज पे आप ये डिफ्रेंसिएशन लिख सकते हो क्योंकि ये पापा चार्ट आज हमें कंप्लीट करना है अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन करेंटली कम टू अ न्यू पेज ओके कम टू पेज एंड प्लीज राइट डाउन डिफ्रेंसिएशन बिटवीन अ वर्ड अग्रीमेंट एंड वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो देखो वापिस है वर्ल्ड अग्रीमेंट इज वर्ल्ड एड इनिशियो इट इज नल इट इज नॉट इन्फोर्सिबल इन द आइज ऑफ लॉ ना वो कभी इन्फोर्सिबल थी ना है और ना कभी हो सकती है उसका जन्म ही हुआ है एज अ नल थिंग एस एंड इन वैलिड थिंग बट जहां तक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात है इनिशियली 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 देर वॉज इन टू एक्सिस्टेंस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट लेटर ऑन सबसिक्वेंटली इट हैज बिकम वॉइड बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन एग्जाम्पल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसिएशन इज के वॉइड अग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट का रूल अप्लाई नहीं होता है जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का रूल अप्लाई होता है तो जो कोई बच्चे ने मुझे इससे रिलेटेड सवाल पूछा था आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू एंड कीप इट अप जहां तक बाकी के बच्चों की बात है कोई टेंशन की बात नहीं है चलते रहता है बट आप लोग प्लीज ये डिफ्रेंसिएशन लिख के लेना हाँ है ना यस कमऑन आई एम गिविंग यू एग्जैक्ट टू मिनट्स फटाफट आपको ये डिफ्रेंसिएशन लिखना है राइट डाउन फास्ट फास्ट एंड नॉट स्लो स्लो ओके ओके आई एम अज्यूमिंग दैट आर डन विद द राइटिंग पार्ट अब हम लोग बढ़ेंगे आगे एक आखिरी चीज थी जो कल के सेशन में मैंने पढ़ाई थी उसे रिवाइज करती हूं फिर हम लोग जाने वाले हैं एक नए टॉपिक पे तो आखिरी चीज कल के टॉपिक से रिलेटेड जो थी वो था वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट एबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज एबल टू बी वाइड इज नोन एज अ अडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज एबल टू बी वॉइड इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो हर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वन ऑफ द पार्टी का कंसेंट इज नॉट फ्री इट इज इधर कॉज बाय कोर्शन अन्ड्यू इंफ्लुएंस फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अब देखिए अगर आपने वॉइडबल कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन लिया है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा बट अगर आप चुप रहते हो सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो याद कीजिए अगर सपोज नाना पाटेकर के अगेंस्ट आर के कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन लेते हैं तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा बट अगर आर के कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं वो चुप रहते हैं तब ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साथ ही साथ याद कीजिए वो बुढ़े पिताजी और वो यंग अगर ऐसे केस में बूढ़े पिताजी ने कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन लिया सन के अगेंस्ट तो ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर ही डज नॉट टेक एनी एक्शन द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब हम लोग बढ़ेंगे आगे टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन व्हिच इज रिलेटिंग टू एन लीगल कॉन्ट्रैक्ट इनफैक्ट कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए सेक्शन नंबर टेन के हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए और आपका भी भी लॉफुल होना चाहिए और उसी चीज के लिए मैंने आपको एक पीपीटी लिखवाया था इन सेशन कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ है आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ है विच इज फॉरबिडिंग बाय लॉ याद कीजिए अगर आपने किसी का खून करने के लिए किसी को घूस दिया है या तो फिर आपने कुछ डेकोइटी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ अगर आपका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है या तो आपने ऐसी कोई एक्ट की है जो लॉ के द्वारा परमिटेड तो है बट आपको जो तरीका था इट इज वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ सम अदर एक्ट याद कीजिए कल का सेशन मैंने आपको कहा था ये लॉकडाउन के समय पे मैंने क्या किया है अपने दोस्त से खरीदा है एक डिश वॉशर बट विदाउट पेइंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स हाँ या ना तो अब देखो डिश वॉशर खरीदना ज परमिटेड बाई लॉ बट जो मेरा तरीका था इस डिश वॉशर को खरीदने का वो सही नहीं था वो क्या था इट वॉज इट वॉज वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द जी एस टी एक्ट तब ऐसे केस में मेरा ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं माना जाएगा आपने ऐसी कोई काम की है विच इज ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हेव गिवन ब्राइबरी टू बिकम एन आई आईओ एस ऑफिसर Uh, या तो फिर आई हैव डन एन अग्रीमेंट विच इज इमोरल इन नेचर याद कीजिए पति पत्नी और वो ये सारे केसेस में आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अनलॉफुल होता है तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है

कि मेन मॉड्यूल में खैर यहाँ पे लिखा है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बट मेरे हिसाब से इट इज नॉट एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इट इज एन इलीगल अग्रीमेंट क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव इलीगल होता है ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनी नहीं होता बनी नहीं सकता है वो होता है स्टार्टिंग से ही वॉइड सो बेसिकली मैं इसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ना कहते हुए कहूंगी एज एन इलीगल अग्रीमेंट ओके सो देखो यहां पे क्या हुआ है देखो इट इज एन अग्रीमेंट मैं इसको कह रही हूं एज एन अग्रीमेंट ओके इट इज एन अग्रीमेंट इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ योर वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट के बदले अग्रीमेंट इस शब्द को लिख दीजिए इट इज एन अग्रीमेंट विच द लॉ फॉबिज टू मेक करना मतलब प्रोहिबिट करना बैन करना आपने ऐसी कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसको कानून ने प्रोहिबिट किया है आपका कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता इनफैक्ट आपका अग्रीमेंट ही रह जाएगा द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट एक सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूं और मैं चाहती हूं इस सवाल का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सोच समझ के आपको जवाब देना है कमेंट देने की कोई घाई नहीं है पहले अच्छे से आप लेक्चर सुन लो मैं एंड में आज के एंड एंड के सेशन uh, में मैं क्या करने वाली हूं एंड के समय में मैं लेने वाली हूं रिविजन और जैसे ही सेशन खत्म हो जाता थोड़ा सा सोचिए और उसके बाद आप कमेंट देना सवाल आपसे यह है सवाल आपसे यह है कि जो मैं आप सेंटेंस कहने जा रही हूं वो ट्रू है या फॉल्स है और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है आपको मैक्सिमम एक या दो सेंटेंसेस में इस चीज का एक्सप्लेनेशन देना है ट्रू या फॉल्स अलोंग विथ रीजनिंग ओके सेंटेंस इज दिस ऑल इल इीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड ऑल इीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलिगल वापस से मैं ये लिख ले रही हूं एक काम करो आप लोग आपके नोटबुक में भी ये चीज लिख लो क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज इज दिस सेंटेंस ट्रू और फॉल्स ओके ट्रू और फॉल्स ऑल इीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट All void agreements are not illegal। इसको थोड़ा सा बोल्ड करती हूं और हाईलाइट करती हूं और इसी चीज को आप नोटबुक में लिखो और कल के सेशन के पहले आपको सोच समझ के मुझे बताना है कि क्या ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और अगर फॉल्स है तो ये क्यों फॉल्स है हाँ या ना अभी इससे रिलेटेड मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूँगी हम लोग बढ़ेंगे आगे तो देखो वापस से इलीगल अग्रीमेंट मतलब क्या ऐसी कोई अग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है इलीगल है ऐसी अग्रीमेंट को कहेंगे हम एज एन इन अग्रीमेंट डिफ्रेंसिएशन भी होगा कल फिफ्थ क्लासिफिकेशन दैट इज एन अन एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट अब देखो मैंने आपको जब असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए थे तब मैंने आपको कहा था ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी होता है जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल सेल एंड परचेज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी सपोज इस घर को मुझे बेचना है ये घर को बेचने के लिए आई विल कंपल्सरी हैव टू मेक अ रिटिन अग्रीमेंट ओरल कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं होगा रिटिन तो होगा प्लस इट विल बी स्टैंप इट विल बी साइंड एंड इट विल आल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द अंडस्पेक्टिव लॉज अब ये सारी चीजें क्या है ये सारी चीजें कुछ नहीं है बट दीज आर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है और आपने ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज एन कहेगाबल कॉन्ट्रैक्ट बट ये जो अन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है ये तब तक एनफोर्सेबल है जब तक इसमें ये टेक्निकल डिफेक्ट प्रेजेंट है जैसे ये टेक्निकल डिफेक्ट आप पूरी कर देते हो जैसे ये टेक्निकल कमी को आप पूरी कर देते हो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल हो जाता है जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल से आज आपका बर्थडे है आज आपका बर्थडे है एंड एज अ अ बर्थडे प्रेजेंट आई टू गिव यू चेक तो मैं लिखती हूं पे जो भी आपका नाम है से मिस्टर एक्स अ सम ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड वर्ड में फिफ्टी थाउजेंड फिगर में आज की डेट लिख देती हूँ बट देखो ना मैं क्या करती हूँ मैं वो चेक को साइन ही नहीं करती हूँ ना अब मुझे बताओ अनसाइंड चेक अनसाइंड चेक क्या आप अगर बैंक में प्रेजेंट करोगे तो ये क्लियर होगा नहीं होगा तो ऐसे चेक ऐसे चेक का क्लियर होना मुश्किल ही नहीं बल्कि इट इज नामुमकिन वो चेक क्लियर हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें है एक टेक्निकल डिफेक्ट और ये टेक्निकल डिफेक्ट क्या है जहाँ पे मेरी सिग्नेचर होनी चाहिए थी ड्रॉवर ऑफ द चेक वहां पे मेरी सिग्नेचर प्रेजेंट नहीं है और अगर सिग्नेचर प्रेजेंट नहीं है तो ये चेक का अमाउंट आप क्लेम नहीं कर सकते ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन अन एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट बट डों में वो चेक के ऊपर साइन कर लेती हूं क्या वो चेक को अब आप डिपोजिट करके पचास हजार रुपए क्लेम कर सकते हो ये yes. तो जैसे ही टेक्निकल डिफेक्ट करेक्ट हो जाता है अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सिबल हो जाता है आइए रीड करते हैं वेर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सबसे बट बिकॉज ऑफ समेक्निकल डिफेक्ट दैट इज एबसेंस इन राइटिंग बार्ड बाई लिमिट लिमिटेशन वन और बोर्ड द पार्टी कैन नॉट सी यू अपॉन इट इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन आन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में चाहती हूं आगे इसी के आगे आप लिख दो ए सुन एज द टेक्निकल डिफेक्ट इज करेक्टेड आगे ही लिखो वहां पर ए सुन एज द टेक्निकल डिफेक्ट इज करेक्टेड ए सुन एज The technical defect is corrected. As soon as the technical defect is corrected, the contract will become an enforceable contract. The contract will become an enforceable contract. Technical defects map or example bhi liksakte फैक्ट आप क्या करो वहीं पे एक स्टिक नोट लो और वहां पे आप लिख दो टेक्निकल रिक्वायरमेंट सच एज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स सच एज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकता है सिग्नेचर स्टैंप रजिस्ट्रेशन या राइटिंग में होना जरूरी एक्सेट्रा तो हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं मिलती तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल नहीं हो सकता hmm. तो अब देखो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो चुका है फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड वर्ड वर्ड वेल अनलॉफुल और अन इनफोर्सेबल पांचों भी चीजों को मैं रिवाइज करना चाहती हूं फिर हम लोग जाएंगे डिफ्रेंसिएशन ऑन द सेकेंड बेसिस दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पहली बात तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ वैलिटी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ फाइव टाइप्स वैलिड वर्ड वर्ड वेल अनलॉफुल एंड अनफोसिबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हर वो कोई चीज जो प्रेजेंट होनी चाहिए थी अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली तो वो वैलिड था बट बाद में ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वाइड एज अ वाइड

इीगल अग्रीमेंट अनलॉफुल है, है. तब तो ऐसे केस में आपके अग्रीमेंट को कहेगा एज एन इीगल अग्रीमेंट इीगल अग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सिबल नहीं है और लास्ट है अन एनफोर्सबल का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्स नहीं किया जा सक रहा बिकॉज ऑफ समेक्निकल डिफेक्ट इज नोन एज एन अनफोर्स जैसे ही आपको यह कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ येन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉस नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन के बेसिस पे फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फाइव टाइप्स फॉर्मेशन के बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट आर डिवाइडेड इंटू फाइव टाइप्स फर्स्ट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट टाइप इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट देखो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरल या राइटिंग मोड में है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नाम में लिखा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस एक्सप्रेस आपने आपके टर्म्स और कंडीशन को एक्सप्रेस किया है अब एक्सप्रेस कर सकते हो इधर ओरली या इन राइटिंग जरूरी नहीं है कि हमेशा राइटिंग में ही हो मैंने आपको पहले भी कहा था ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर टोटली अलाउड इन द आईज ऑफ लॉ अगर आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस को इधर ओरली एक्सप्रेस किया है या राइटिंग में किया है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि मैं आपको कह रही हूं विल यू परचेज दिस मोबाइल फोन फॉर रूपीज फाइव थाउजेंड ये जो ऑफर मैंने आपको दिया है मैंने एक्सप्रेस करके आपको दिया है ओरली एक्सप्रेस करके दिया और आप कहते हो यस मैम आई वुड लव टू परचेज दिस फोन फॉर रुपीज फाइव थाउजेंड यहां पर आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बीन मेड थ्रू एन एक्सप्रेस टर्म ओके ओरली इस चीज को मैंने आपसे एक्सप्रेस किया और ओरली आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बट देखो हर कोई चीज कही नहीं जाती कुछ चीजों को समझा जाता है हा या ना तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को के टाइप को कहते हैं एज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं इसको हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इनफैक्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए मेरे को आपको एक शब्द सिखाना है इंप्लाइड नेचर इम्प्लाई नेचर वन होते हैं implied contracts 2 implied contract tacit contract or

देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए देखो पहली बात तो अगर दो पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहती है दीज पार्टीज कैन एंटर इंटर इंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट इन द एक्सप्रेस मोड एक्सप्रेस आप कर सकते हो यू या तो ओरली या तो इन राइटिंग जैसे कि अगर कोई कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है मैं ओरली आपको समझाना चाहती हूं वही अगर मैं आपको मेरी बुक्स दे रही हूं ये मैंने अपना नॉलेज एक्सप्रेस किया इन तो 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 जाता है, कुछ चीजें जो होती है वो समझी जाती उसी को कहते हैं एज एन इंप्लाइड नेचर इंप्लाइड नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और A tacit चाहे आपका नेचर चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड है, है, है फर्क नहीं पड़ता है तीनों भी के में. ना कोई शब्द बोले गए और ना कोई शब्द लिखे गए प्लीज लिशन टू दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हंड्रेड परसेंट अटेंशन आपको देना हैचर right के कॉन्ट्रैक्ट तीन तरीके के हो सकते हैं यह तो हो सकता

इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन वेर एज टैसे कॉन्ट्रेक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन और कौसी तो कुछ अलग ही है कौसी कॉन्ट्रैक्ट आर दो कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डोंट वरी तीनों के लिए मैं एक एक एग्जाम्पल आपको दूंगी ताकि आपको समझ में आए मैं कहना क्या चाहती हूं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देखो जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो आपको आ, आप पुणे के हो और पुणे के कैंप से आपको पुणे के एफसी रोड जाना है आपको पुणे के कैंप से पुणे के एफ सी रोड जाना है और आप क्या करते हो आप एक रिक्शा में बैठ जाते हो और रिक्शा में जैसे ही आप बैठते हो रिक्शा वाला जो है वो गाड़ी चलाने लग जाता है अब ऐसे किस में जब आप रिक्शा में बैठे थे और आपने कहा कि भैया मुझे जो है मुझे जाना है एफ सी रोड पे तब आपको ये चीज पता नहीं थी कि कितने पैसे लगने वाले हैं या तो फिर अगर दूसरा बेटर एग्जाम्पल देना हो से फॉर एग्जाम्पल आप अपने होम टाउन आए हो थ्रू द रेलवेज और जैसे ही आप घर पे आए हो थ्रू द रेलवेज क्या हुआ है आपने आपके बगी में से सारा का सारा लगेज जो है वो उतारा है लगेज आपने उतारा और कूली जो है आपके बोली बिगर कूली ने क्या किया है सामान उठाया और वो आपके पीछे पीछे चलने लग गया जैसे आप जा रहे हो वो आपके पीछे पीछे चलने लग गया। ना ही आपने उसे रोका है आपका सामान उठाने के लिए बगी में से सामान उतारा उसने क्या किया सामान उठाया उसने वेट किया और आप जैसे ही आगे बढ़ने लग गए वो क्या करता है आपके पीछे पीछे आने लग जाता है यहां पे ना आपने उसे बुलाया है ना वो आपको कुछ सर्विसेज के लिए पूछ रहा है बट उसका सामान उठाना और आपने उसको मना ना करना इज नथिंग बट इट इज गिविंग द इंडिकेशन ये समझने की बात है कि आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और आपको उसकी सर्विसेज मंजूर है बट अब देखो जब ये सारा एक्ट हुआ आपको नहीं पता था वो उसके सर्विसेज के लिए कितने पैसे चार्ज करने वाला है सो so बेसिकली ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन इज नोन एज एन एम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट जबकि टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जो है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन ऑक्शन सेल बाय स्ट्राइक ऑफ द हैमर देखो ऑक्शन सेल मतलब क्या होता है याद कीजिए नीलामी नीलामी जब होता ही कोई चीज की उसको कहते हैं ऑक्शन तो याद कीजिए वो ऑक्शन का रूम है देर इज एन ऑक्शन ईयर से कोई एक पेंटिंग जो है वो ऑक्शन उसका किया जा रहा है और सब लोग बोली दे रहे हैं और जैसे ही हाईएस्ट बिड आया उसने क्या किया है अपने हैमर को स्ट्राइक किया है ये जो हैमर को स्ट्राइक करना है यहां पे हैमर को स्ट्राइक करने से किसी के शब्द इस्तेमाल नहीं हुए हैं यहां पे किसी ने कुछ कहा नहीं है बट हैमर को स्ट्राइक करना इज नथिंग बट इट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बट देखो जब बोलियां ली गई थी और हाईएस्ट बिड को हमने हैमर स्ट्राइक किया है यहां पे हमें पता है कि ये पेंटिंग जो है वो कितने रुपए में बिकी है सो so बेसिकली यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन are known are known terms and conditions are known another example could be of a tacit contract could be आप एटीएम में चले जाते हो आप आपका कार्ड स्वाइप करते हो पिन एंटर करते हो और पैसे विड्रॉ करते हो आपको पता है जैसे ही आपने पैसे विड्रॉ किए कितना एग्जैक्ट अमाउंट आपके अकाउंट में से डेबिट होने वाला है अब ऐसे केस में दिस इज नथिंग बट दिस इज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट जो इंप्लाइड नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अ असी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अ असी कॉन्ट्रैक्ट इन फैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं इट इज एन ऑब्लिगेशन दैट द लॉ मेकर्स आर पुटिंग ऑन यू जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल एक दिन ऐसे रस्ते से आप जा रहे थे आपको किसी की गोल्ड की ब्रेसलेट घिरी हुई नीचे नजर आती है आप वो गोल्ड ब्रेसलेट को उठा लेते हो अब ऐसे केस में जैसे ही आपने वो गोल्ड ब्रेसलेट उठा लिया क्या वो ब्रेसलेट आपका हो जाएगा अभी भी वो उसी पर्सन का बिलोंग करता है जिसका वो एक्चुअली है तो अब देखो आप कौन हो आप गुड्स के ओनर नहीं बन जाते वो ब्रेस्टेड के ओनर नहीं बन जाते यू ओनली बिकम एज द मियर फाइंडर ऑफ लॉस्ड गुड्स अब देखो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को लॉ मेकर एक जिम्मेदारी देते हैं एंड दैट इज टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड रिटर्न द गुड्स बैक थिंग बट दिस इज अंट्रैक्ट कॉल कॉन्ट्रैक्ट भी इम्प्लाइड नेचर के होते क्या यहां पर हम खेल खेल नहीं खेल रहे देखो अब मैं मेरा गोल्ड ब्रेसलेट घुमाऊंगा आप उसको ढूंढ के लेके आना फिर मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा यहाँ पे कोई खेल नहीं चालू है यहाँ पे जेन्यूली उस बंदे से उसका ब्रेसलेट घूम गया था इतफाक की बात ऐसी थी कि आपको वो ब्रेसलेट मिल गया तो अब लॉ मेकर मिलते कहते हैं लॉ मेकर है, क्योंकि यू आर द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स आपकी जिम्मेदारी होगी टू फाइंड द ट्रू ओनर टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड रिटर्न द गुड्स बैक टू यस यसर नो गाइज यस मैं एक बार रीड करना चाहूंगी फिर हम हमारे चार्ट को कंप्लीट करेंगे देखिए इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में हूं अपने टेक्सट बुक के पेज नंबर नाइन पे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच कम्स इन टू एक्सिस्टेंस बाय इंप्लीकेशन मोस्ट ऑफ इन द इंप्लीकेशन इज बाय लॉ और By एक्शन तो देखो यहाँ पे किसी ने कुछ भी नहीं कहा है या कुछ भी नहीं लिखा है आपके हरकतों से हमें समझ में आया है दैट यू आर इंटरेस्टेड टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट सो the एज द कूली पिक्स अप योर योर लगेज बाय हिज एक्शन वी हैव अंडरस्टूड दैट ही इज इंटरेस्टेड टू गिव यू सर्विसेस यस guys? यस yes.

कैश को विड्रॉ करना या तो सेल ऑफ गुड्स बाय द फॉल ऑफ हैमर इन एन ऑक्शन सेल इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ टैसेट कॉन्ट्रैक्ट और एक लास्ट है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट तो देखो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली नॉट इवन अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज क्रिएटेड प्लीज अंडरलाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट इज क्रिएटेड बाय लॉ और लॉ ही जो है वो क्या करता है कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशन पार्टीज़ के ऊपर डाल देता है जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर मुझे वो गोल्ड ब्रेसलेट मिला है अब लॉ मेकर मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालेगा इस ट्रू ओनर को फाइंड करने के लिए और ट्रू ओनर को उसको उसको ब्रेसलेट लौटाने के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉसी है इंप्लाइड है या टैसेट है यहां पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसीलिए ये है इंप्लाइड नेचर के और एक लास्ट क्लासिफिकेशन है ई कॉन्ट्रैक्ट्स e आज के ज़माने में तो इनफैक्ट सभी लोगों ने ई e कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए हो गए एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज बीन फॉर्म इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड इज नोन एज एन ई कॉन्ट्रैक्ट याद कीजिए वो दिन लॉकडाउन के पहले के जब आप बुक माई शो के एप्लीकेशन पे टिकट बुक करते थे और थिएटर में मूवी देखने जाते थे या तो से फॉर एग्जाम्पल मेक माई पे आप गोवा के फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो और फ्लाइट में आपको जाने का एक्सेस मिल जाता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दीज आर नथिंग बट दीज आर ई कॉन्ट्रैक्ट या तो एमेजॉन से अगर आपने कोई चीज को खरीदा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज ई कॉन्ट्रैक्ट यस और तो अब देखो

हमारा रिविजन होगा फ्रॉम डे नंबर वन सबसे पहली बात तो आपको मुझे बताना है वट यू मीन अ कॉन्ट्रैक्ट और याद रखना दिस रिविजन इज फॉर यू इट इज नॉट For me, so everyone has to be involved in the revision process. A contract is an agreement enforceable by law, a contract is an agreement enforceable by law, an agreement enforceable by law, agreement enforceable by law. Agreement ka kya hota hai? Offer plus acceptance is nothing but it is an agreement. हर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होता है बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं होता है तो ब्रॉड वर्ड कौन सा हुआ अग्रीमेंट और नैरो वर्ड कौन सा हुआ नैरो वर्ड हुआ कॉन्ट्रैक्ट हाँ या ना यस yes. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम आपको लगती है टू पार्टीज एक पार्टी जो ऑफर दे रहा है और दूसरी पार्टी जिसने इस ऑफर को एक्सेप्टेंस दिया है यही जो पार्टीज होती है इनके बीच में इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप नो इन्फोर्सिबिलिटी नो कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पॉइंट कहता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है जब तक ये फॉर्मेलिटीज आप नहीं निभाते हो तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन सर्टेन होना जरूरी है अगर आपके टर्म्स और कंडीशन सर्टेन नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स शेल बी केपेबल ऑफ बींग फॉर्म अगर इन्हें परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता है तब ऐसे केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता आपका अग्रीमेंट जो है वो अग्रीमेंट ही रह जाएगा ये सारे पांच पॉइंट्स तो थे जनरल हमें काफी सारे पॉइंट्स बताता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है सबसे पहला पॉइंट है दैट देर शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस दैट इज देमेंट नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही कहती है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है पार्टीज का कंसेंट होना जरूरी है कंसेंट तो होना जरूरी है बट कंसेंट फ्री होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कंसेंट होना मींस द पार्टीज शुड थिंक अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस at the same time sarthi sath my dear friends it shall not be caused by coercion undue influence fraud misrepresentation or mistake the parties should have the legal ability to enter into a contract come जाएगा that you have the power to enter into a contract when you are major sound mind and not disqualified by law when you are major साउंड माइंड एंड नॉट डिस्कालीफाइड बाई लॉ मेजर मतलब आपकी उम्र जो है इट इज एटलीस्ट एटीन ईयर्स ऑफ एज साउंड माइंड अगर किसी बंदे का माइंड परमानेंटली ही अनसाउंड ही कैन नेवर एवर एंटर इंटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट अगर किसी पर्सन का माइंड टेम्परेली साउंड टेम्परली अनसाउंड है तब ऐसे केस में ही कैन एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेन हिज माइंड इज साउंड इन नेचर एंड पर्सन डिसक्वालिफाइड बाई लॉ कुछ लोग है जिनको लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली डिस इंटू अड कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि अन्विक्ट सच पर्सन कैन नेवर एंटर इंटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या कंसिडरेशन का होना जरूरी है ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन होना तो जरूरी है कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यों जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न तो कंसिडरेशन तो होगा साथ ही साथ आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक साइड पे आपका कंसिडरेशन लॉफुल होगा और दूसरे साइड पे आपका ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना जरूरी है कब माना जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल है वेन इट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाई लॉ मींस इट इज अलाउड बाय लॉ और रिगार्डेड एज इमोरल और इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी तभी माना जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल है और तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा यस और नो गाइज कल हमने शुरू की थी क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के हमारे दो टाइप्स ऑलरेडी हो, हो चुके थे वैलिडिटी के बेसिस पे और आज हमने किया था फॉर्मेशन के बेसिस पे वैलिडिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट आर डिवाइडेड इंटू फाइव टाइप्स वैलिड वर्ड वर्डेबल अनलॉफुल एंड अन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहला अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में हर वो कोई चीज प्रेजेंट है जो एक्ट ने लिखी है तब ऐसे केस में आपके कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली तो वैलिड था बट बाद में अब कोई कारण के वजह से वो एनफोर्सेबल नहीं है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पे वन ऑफ द पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट एबल टू बी वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी बट अगर aggrieved पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया वो चुप है द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल अग्रीमेंट ऐसी अग्रीमेंट होती है जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो इलीगल होता है वो अनलॉफुल होता है ये अग्रीमेंट अग्रीमेंट से रह जाती है ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बनते ही नहीं है और अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें है कोई टेक्निकल डिफेक्ट जिसमें है कोई टेक्निकल डिफेक्ट बट आपको घबराने की बात नहीं है जैसे ये टेक्निकल डिफेक्ट को आप करेक्ट कर देते हो क्या हो जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एनफोर्सिबल इन नेचर और फॉर्मेशन के बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव टाइप्स यहां पे और एक बचा हुआ है टैसेट कॉन्ट्रैक्ट मैं चाहती हूँ आप लिख दो यहाँ पे टैसेट ट यहां पे आप लिख दो टी ए सी आर टी टैसे देखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पे टर्म्स और कंडीशंस या तो ओरली या तो इन राइटिंग एक्सप्रेस किए गए हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड नेचर के तीन फर्दर टाइप्स है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है इट इज नोन एज एन एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड दोड बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एक्साम्पल फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स इज नोन एज एन एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विच इज बीन एंटर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड इज नोन एज एन ई कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सप्लेनेशन वाइज हम इतना ही करेंगे आप लोग आपके नोटबुक के ये पापा चार्ट पे आ जाओ जहां पे कल आपने वैलिड वॉइड और वर्डेबल लिखा था मैं आपसे लिखवा के लेने वाली हूं अभी आपके साथ मैं लिखवाने वाली हूं इलीगल अग्रीमेंट्स और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और आज आपका होमवर्क होगा जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है फॉर्मेशन का उसके पांचों टाइप्स का हेडिंग मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टैसिड कॉन्ट्रैक्ट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट उनके क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विथ वन वन सेंटेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन लिख के आना होगा बिफोर क्लास नो तो अब आ जाइए आप फर्स्ट क्लासिफिकेशन पे वैलिडिटी के हिसाब से वैलिड वर्ड void, और वर्डेबल हो चुका था अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे आपके नोटबुक में लिखिए इीगल अग्रीमेंट्स इल्लीगल अग्रीमेंट्स इीगल अग्रीमेंट और वहां पे एक्सप्लेनेशन दीजिए एन अग्रीमेंट एन अग्रीमेंट ऑब्जेक्टिव इज अनलॉफुल इन नेचर एन अग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्टिव इज अनलॉफुल इन नेचर इज नोन एज एन इन लीगल अग्रीमेंट is known as an illegal agreement or it last point dj and that is unenforceable contracts point number five unenforceable contracts un

But has some technical defects, but has some technical defects, is known as an unenforceable contract, is known as an अन एन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट फुल स्टॉप उसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सेकेंड सेंटेंस लिखिए ए सून एज द डिफेक्ट इज करेक्टेड ए सून एज द डिफेक्ट इज करेक्टेड ए सून एज द डिफेक्ट इज करेक्टेड the contract becomes enforceable in nature the contract becomes enforceable in nature to aaj aapko do cheeze karni hai one formation के basis के पांचों भी types को आपको लिखना है in your notebook के पापा chart प्लस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सवाल पूछा था ये ट्रू है या फॉल्स है अगर ट्रू तो क्यू ट्रू और अगर फॉल्स तो क्यू फॉल्स ऑल अग्रीमेंट्स आर वॉइड इन अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल इज दिस सेंटेंस ट्रू और फॉल्स इसका जवाब आपको मुझे देना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में अलोंग विथ रीजनिंग है ना तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे धन्यवाद कल मिलते हैं हैव अ नाइस डे